गांधी जी की सत्य निष्ठा अविवाद्य है। गांधी जी का कितना भी बड़ा विरोधक हो वो उंगली उठा नहीं सकता इस पर। गांधी जी ने जो कहा उसको अजमाया और जो उनको पटा वो किया। फिर उन्होंने सफलता असफलता नामी बदनामी किसी बात की परवाह नहीं की, किसी बात की परवाह नहीं। एकाधा प्रयोग गलत हो गया तो उसमें गलती तत्व की नहीं, मैंने कुछ गलती की होगी इसलिए फिर से करके देखूंगा, इस प्रकार की उनकी निष्ठा थी। वो सत्य निष्ठा मन में लेकर क्या हम चल सकते हैं जीवन में? हमको वो करने की आवश्यकता है और ऐसा हम कर सके इसलिए हमको वैसा ही निर्भय भी बनना पड़ेगा। अब भारत के भाग्य में परिवर्तन आना है, समाज में परिवर्तन लाना है तो हमको लोकप्रियता का भी डर छोड़ना पड़ेगा, हमको समर्पण कायेन वाचा मनसेन्द्रियेन वा बुद्ध्यात्मनावात प्रकृति स्वभावात यहां तक करना पड़ेगा। उस सत्य के अनुसंधान के अनुशासन में अपने जीवन को एक कठोर अनुशासन में बांध के चलाना पड़ेगा जैसा गांधी जी ने चला। क्या हमारी तैयारी है? याद करने का कारण यह है उस पथ पर हमको आगे बढ़ना है, हमारी तैयारी क्या है? और यह सत्य निष्ठा और ये जो गांधी जी की निर्भयता थी वो असंवेदनशील बिल्कुल नहीं थी। गांधी जी के मन में सबके प्रति एक आत्मीयता की संवेदना और पीड़ितों के प्रति अपार करुणा की भावना थी। गांधी जी की सेवा, गांधी जी ने तरह तरह के सेवा के जो कार्यक्रम किए वो प्रोग्राम नहीं थे, वो उनकी साधना थी, वो उनका जीवन था।